दोस्तों नमस्कार, मैं कंचन विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल कंचन रचना संसार में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई एक प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है ग्रामश्री को गाकर सुनाऊंगी। उससे पहले आइए जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। उत्तराखंड राज्य के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोरम वर्णन हुआ है। लोकायतन, ग्राम्या, चिदंबरा ग्रंथ, पल्लव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम सभी इस कविता ग्रामश्री को गाते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झलबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़ी में आलू गोभी बैगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। आशा है ये कविता आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।